सो हेलो गाइस एंड व्हाट्स अप वेलकम बैक टू अनदर वीडियो डिस्कवर। जैसा कि आपको पता है, बहुत तड़कती भड़कती खबर मार्केट में आ गई है, नए वाले स्कोर पे लॉन्च होने वाली है, पर जो इसकी एक झलक है वो किसी को पसंद नहीं आ रही है। सबसे बढ़िया बात है, पुराने वाले स्कॉर्पियो बंद नहीं होएगी और नए वाली कंटिन्यू रहेगी। मतलब है नई स्कॉर्पियो तो नहीं कह सकते, कंपनी इसको एक अलग गाड़ी निकालेगी पर नाम स्कॉर्पियो दे देगी, स्कॉर्पियो प्लस नियो कुछ भी करके निकाल सकती है, क्या पता क्या करे। बात करें इसके लुक्स के बारे में तो लुक्स बहुत ही अजीब से हैं। इसके पीछे से आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये वैगनार से रिलेट कर रही है, वैगनार के पापा मार्केट में उतर चुके हैं। अब आप वैगनार से रिलेट किस तरह से करो, आप डियर के लाइट देखो तो उसकी जो पोजीशनिंग है, जो डिजाइनिंग है, वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक वैगनार से रिलेट करती है। और एक हंसता हुआ उसका स्लीक सा चेहरा दे रखा नीचे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वैगनार की पिक है, यहाँ पे आप कहीं ना कहीं 99.99% आप इसको रिलेट कर पा रहे होंगे काफ़ी हद तक। बाकी अब देखना ये है, मिड जून तक ये गाड़ी लॉन्च इंडिया में हो जाएगी, ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगी, सारी चीज़ दिखाई दे देगी आपको। उस टाइम पे हम भी एक इसकी लाइव वीडियो आपके लिए निकाल लाएंगे। मीनवाइल जो है ये काफ़ी हाइट में भी मतलब अच्छी ब्रॉड निकल, जैसे XUV700 है, काफ़ी बल्कि गाड़ी लगती है उस तरीके से ही देखने में लग रही है। टायर थोड़ा साइज छोटा लग रहा है देखने में फोटोज़ में, पर हम दिल्ली वाले, हमारा कुछ जाता नहीं क्योंकि हमारे पास करोलबाग जैसी मार्केटें हैं। तो मतलब हमारे में तो ये है ना भाई, अपना छोटा तो बड़ा हो जाएगा, कोई खास बात है नहीं। तो इस तरीके का एटीट्यूड हमारे अंदर है, तो इसलिए उससे जैसे प्रॉब्लम होएगी नहीं इस चीज़ में। और अगर लुक्स वाइज अगर आप बात करो ओवरऑल, तो थोड़ी कम ही लोगों को पसंद आई है ये गाड़ी। बाकी वैगनार को बहुत बहुत मुबारक हो क्योंकि उसको उसके पापा मिल चुके हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल।